भीषण गर्मी और कोरोना संकट से ज्यादा प्रदेश की जनता पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से त्रस्त है। एक तरफ तो पिछले 12 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का दौर जारी है, दूसरी तरफ राज्य सरकार भी लॉकडाउन अवधि में दो बार पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में 22 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। इससे ठीक एक दिन पहले 21 मार्च को प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर 4% वैट बढ़ाया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि में 15 अप्रैल को पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ाया। 7 मई को फिर पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ाया गया। कुल मिलाकर प्रदेश में पेट्रोल पर 38% और डीजल पर वैट 28% के स्तर पर जा पहुंचा। कोरोना संकट के दौर में पेट्रोल 4.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.22 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलना शुरू हुआ। वहीं लॉकडाउन के चलते प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बिक्री 90% से घटकर 10% के न्यूनतम स्तर पर आ गई। विषम हालात को देखते हुए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग कर डाली। एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और राज्य सरकार भी पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट की दर को कम करके जनता को राहत दे, क्योंकि 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में वाहनों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की सर्वाधिक जरूरत पड़ रही है और इसी समय पेट्रोल डीजल की दरें अपने चरम पर हैं। पिछले 12 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं, फिर भी तेल कंपनियां अपना मार्जिन बढ़ाने में लगी हैं। इसी का नतीजा है कि 7 जून से 18 जून तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का दौर जारी है। पिछले 12 दिन में पेट्रोल 6.99 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल की कीमतों में भी 6.93 रुपए की वृद्धि हुई है। राज्य में वैट बढ़ने और कीमतों में बढ़ोतरी से प्रदेशवासियों पर दोहरी मार पड़ी है। दोनों को मिलाकर पेट्रोल के दाम 11.47 रुपए से बढ़कर 84.79 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम भी 10.15 रुपए बढ़कर 77.34 रुपए के स्तर पर पहुँच गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि भीषण गर्मी और कोरोना संकट के दौर में जहां लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, वेतन भत्तों में कमी आई है, उस दौर में पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाकर आम आदमी की मानो कमर तोड़ दी गई है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।